राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष बने कुंपावत का किया गया बहुमान। पाली राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला कार्यकारिणी के चुनाव में पाली की सीमाबाई संचेती स्कूल में जीवन कला स्कूल में कार्यरत शिक्षक महावीर सिंह कुंपावत को लगातार दूसरी बार राजस्थान शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनने पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवन कला में प्रिंसिपल विजेंद्र सोनग्रा के सानिध्य में उसका समस्त स्टाफ व विद्यालय परिवार की ओर से साफा व माला पहनाकर बहुमान किया। कीरवा 14 फरवरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा ने रविवार को गुड़ा एंदला पुलिस थाना का निरीक्षण के दौरान थाना अधिकारी रविंद्र पाल सिंह राजपुरोहित व पुलिस कर्मियों ने अगुवाई की। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एडिशनल एसपी मीणा ने पुलिस थाने के मेस बैरिक स्वागत कंप्यूटर कक्ष व मालखाना पुरानी वाहनों एवं रिकॉर्ड की जाँच की गई। उन्होंने थाना क्षेत्र के संबंधी जानकारी को लेकर अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने व कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिए गए। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में धर्मगुरु दीवान का किया स्वागत। रानी निकटवर्ती गांव इटंद्रान सारनान में आई माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं अखंड ज्योति स्थापना का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चल रहा है। इस दौरान रविवार की शाम भक्ति संध्या का आयोजन धर्मगुरु दीवान साहब के सानिध्य में ख्यातनाम कलाकारों द्वारा आई माता से ओतप्रोत भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जहां भजन गायक कलाकार शंकर टॉक ने आई माता का बदावना एवं गुरु महिमा सहित धार्मिक भजनों से श्रोताओं का मन मोहा। साथ ही हेमा धर्मेंद्र व दीपिका राव ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। भक्ति सांध्य कार्यक्रम में धर्म गुरु दीवान माधो सिंह का सीरवी समाज बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। फालना गांव में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। फालना गांव में सरपंच करण सिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में व योग गुरु व भक्त महेंद्र सिंह सोलंकी के सानिध्य में मातृ पितृ दिवस मनाया गया। इस मौके पर माता पिता को तिलक लगाकर पुष्प हार पहनाकर उनकी परिक्रमा लगाकर पूजन कर उनके आशीर्वाद लिया गया तथा प्रतिज्ञा की कि मैं अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। इस मौके पर योग गुरु महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं।